अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम करता हूँ एक और नई वीडियो में। आपका भाई हाजिर है एक और ज़बरदस्त मॉडल लेकर। एम्प्रेस की बड़ी ज़बरदस्त कामयाबी के बाद आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक्सप्रेस के नाम से E70 स्पेशल एडिशन है, आप इसको गोल्ड एडिशन भी कह सकते हैं। बड़ा ज़बरदस्त मॉडल है और बड़े ज़बरदस्त फीचर के साथ आज मैं आपके लिए एक ज़बरदस्त वीडियो लेकर आया हूँ। जैसा कि मेरे बैक साइड पर आप देख सकते हैं, ये और इसको सिर्फ लॉन्च हुए 2025 का ही मॉडल है, लॉन्च हुए सिर्फ एक हफ्ता हुआ है और ये कराची के अंदर लॉन्च हो चुका है। तमाम फीचर्स में इसके आपको बताऊंगा। सबसे अच्छी चीज़ इसके अंदर आपको इसके पार्ट्स मिलने वाले हैं, पार्ट्स की क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त है। इसके अलावा इसमें काफ़ी सारे फीचर्स हैं, सेल्फ स्टार्ट है ये, और इसके अलावा अलॉय रिम्स वगैरह हैं। और इसकी कीमत आपको क्या मिलने वाली है, करंट प्राइस आपको क्या मिलने वाली है, ये भी मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। और यहाँ के ओनर से भी बात करते हैं और इसकी क्वालिटी आपको यहाँ के ओनर आपको पूरी वजाहत करेंगे वीडियो में कि इसके पार्ट्स आपको कैसे मिलते हैं, क्या क्या इसके अंदर फीचर्स मिलते हैं, सारी चीज़ें आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो बाइक बड़ी ज़बरदस्त है, आपको वीडियो एंड तक देखनी है ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन इस बाइक के बारे में मिल सके। तो चलते हैं वीडियो का स्टार्ट करते हैं, इसका रिव्यू करते हैं। जो लोग चैनल पर नए, पहले आप लोग सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम सोहेल भाई, क्या हाल है? खैरियत है, ठीक ठाक है। अच्छा, पहले भी मैं आपकी शॉप पर आ चुका हूँ, एम्प्रेस की बड़ी ज़बरदस्त कामयाबी के बाद लोगों ने काफ़ी इसको रिस्पॉन्स दिया, काफ़ी अच्छी बाइक लोगों को लगी है। और तो आज एक्सप्रेस E70 आप लेकर आएँ, तो थोड़ा इसके बारे में हमें बताएं, ये कैसी बाइक है, क्या क्वालिटी है, क्या फीचर्स ये दे रही है और ये कब लॉन्च हुआ है, थोड़ा सा हमें बताइएगा। ये 2024-25 मॉडल है, ये एक वीक पहले लॉन्च हुई गाड़ी है और ये आपको कराची यूपी मोटरसाइकिल मार्केट में मिलेगी इंशाल्लाह। ठीक है ना, इस पे क्वालिटी ये है कि एक्सप्रेस को तो अक्सर लोग जानते हैं और इसी क्वालिटी को भी जानते हैं कि पार्ट जो होता है एक नंबर पार्ट होता है इसमें, जो लोकल चाइना जो आम चाइना बाइक्स में आता वो पार्ट नहीं होता, पार्ट्स में हाई क्वालिटी अच्छी क्वालिटी के पार्ट्स में डालते हैं। फिर जैसे कि आप ये देख सकते हैं इसमें असेंबलियाँ वाली गाड़ी है, ठीक है, असेंबलियाँ SD वाली होती हैं, ठीक है ना। इसके अंदर आपको ऑन ऑफ से लेके डिम्पर सेल्फ ऑप्शन तमाम ऑप्शन होते हैं। किस चीज़ का बटन है? ऑन ऑफ के लिए। अच्छा, ये वाला किस चीज़ का ऑप्शन मिलता है? ये आपका हेडलाइट ऑन का है, हेडलाइट ऑन ऑफ है, ठीक है। ये सेल्फ स्टार्ट। अच्छा, सेल्फ स्टार्ट भी इसमें मौजूद है। अच्छा, ये जो असेंबली है बड़े खूबसूरत है, कौन सी ये मॉडल की दी गई है, कौन सी कैटेगरी की है? ये सुजुकी SD, सुजुकी GD110 वाली इसमें लगाई गई है, ठीक है, वही चीज है, वही शेव है। अच्छा ठीक हो गया। हैंडल बार इसका कैसा है ये बताएं? इसमें एक क्वालिटी का हैंडल बार होता है ये, ठीक है, एक नंबर है, लोकल चैनल ही होता है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, मीटर भी इसका आप देखेंगे ना, मीटर भी इसका मीटर एक नंबर है, ये चाइना क्वालिटी में नहीं होता है, ये एक नंबर लोकल होता है, ये जो अच्छी कंपनी इस्तेमाल करती है, अच्छी कंपनी इस्तेमाल कर लिए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आ जाएं, इसमें यहाँ में कौन कौन से ऑप्शन मिलते हैं? इंडिकेटर है आपका, और इंडिकेटर रिटर्न के लिए खाली आप पुश करते हैं तो इंडिकेटर रिटर्न हो जाता है। अच्छा, ये डिपर का ऑप्शन भी यहाँ पर मौजूद है, ठीक है, और हेडलाइट हाई लो है और इंडिकेटर हॉर्न का ऑप्शन मिल जाता है। इसका फ्यूल कितने लीटर का ये बताइएगा? 9 लीटर का है। अच्छा, ये इसकी ग्राफिक्स वगैरह के बारे में बताएं, ग्राफिक्स काफी खूबसूरत लग रही है मुझे। असल में ये स्पेशल बनाई है, इसके साइड डोर क्रोम होते हैं, इसके कान क्रोम है, इसकी कावल क्रोम होती है और इसको गोल्डन स्टिकर में दिया है। अच्छा ठीक है। अच्छा, इंजन वगैरह के बारे में बताएं, इंजन इसका कैसा है, इसका सिलेंडर कितने, 90 cm का डिस्प्लेसमेंट मुझे लग रही है इसमें। ये 78 होता है वैसे, ठीक है, और 78 cc होता है, 90 का इस पर डिस्प्ले होता है और ये सेल्फ स्टार्ट गाड़ी है,
ठीक है। अच्छा इसकी मोटर भी इंस्टॉल्ड है सेल्फ स्टार्ट की, ठीक है। अच्छा पेट्रोल एवरेज कितना दे रही है? पेट्रोल कंजम्पशन इसका 70 cc के ही हिसाब से होता है, आप यूजर हैं अगर 70 cc के वही पेट्रोल कंजम्पशन मिलेगा आपको। कितना पर लीटर कितना दे रही है? पर लीटर तकरीबन 60 किलोमीटर। अच्छा 60 किलोमीटर पर लीटर ये देने की बिल्कुल सलाहियत रखती है, तो काफी अच्छा पेट्रोल एवरेज है। थोड़ा इसके अलॉयज के बारे में बताइएगा। इसमें जो अलॉयज डाले गए हैं ये भी स्पेशल है और ये ए क्वालिटी कंपनी के अलॉयरिंग होते हैं, इसको हीट ट्रीटमेंट कहलाते हैं ये, ठीक है। हाँ। अच्छा क्वालिटी इसकी अच्छी है। लोकल मार्केट में ओपन मार्केट में ये अलॉयज नहीं मिलते, नहीं मिलेंगे कंपनी, ठीक है। हाँ ये कंपनी से लग के आती है। अच्छा 2.25x17 इंच के अलॉयज आपको मिल जाते हैं और इसमें सर्विस के टायर दिए गए, ठीक है, क्वालिटी अच्छी है। थोड़ा सा आप यहाँ बैक टायर पे आ जाइएगा, अलॉय रिम्स है 2.5x17 इंच के अलॉय रिम्स मिल जाते हैं और सर्विस के इसमें टायर मिल जाते हैं, ठीक है। थोड़ी ये साइड कवर के बारे में बताइएगा, साइड कवर कैसा है, इसमें कौन सा मटेरियल है? इसमें प्योर ABS होता है, ठीक है, पाउडर में नहीं होता है, जो आम चाइना में मिलता है आपको अपना पाउडर वो नहीं है, ये प्योर ABS दाने से बना होता है। अच्छा मडगार्ड इसका LD का ही है, LED लगे होते हैं, ठीक है। क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, फिनिशिंग भी काफ़ी अच्छी यहाँ पर देखने को मिल जाती है। अच्छा इंडिकेटर इसके फ्लेक्सिबल हैं, ठीक है। और ये मटेरियल कैसा है इसका बैकलाइट का? ए क्वालिटी मटेरियल होता है टोटल ना, ये जो हाई क्वालिटी कंपनियाँ यूज कर रही हैं, ठीक है। अच्छा ठीक है, और सीट के बारे में बताइएगा, सीट कैसी है? फाइबर सीट है, आम चाइना वाली सीट नहीं होती है ये, ठीक है। चाइना की गाड़ी में आपको लोहे का पतरा मिलेगा, ये फाइबर सीट होती है, एक नंबर ए क्वालिटी। अच्छा थोड़ी सी हार्ड सीट मुझे लग रही है, ये थोड़ी हार्ड होती है इसलिए कि जब यूजर यूज करता है तो सॉफ्ट हो जाती है। चलें ठीक हो गया। अच्छा सोहेल भाई ये फ्रंट के बारे में थोड़ा बताइएगा, इसकी हेडलाइट कैसी है, इंडिकेटर वगैरह कैसे हैं और हॉर्न के बारे में बताइएगा। अच्छा ये देखिएगा हेडलाइट इसमें लगी हुई है ना, इसमें स्टेनली की लगी हुई होती है, ये ब्राइट हो रही होती है एकदम ना, ठीक है। बिल्कुल वाइटनेस है, ये बिल्कुल वाइटनेस पे होती है, फोकस अच्छा है, फोकस अच्छा है इसका। इंडिकेटर जो है इसमें फ्लेक्सिबल लगे होते हैं, ठीक है। अच्छा ये चैन कवर वगैरह के बारे में बताएं, चैन कवर कैसा है? चैन कवर इसमें मेटल वाला ही होता है, भारी है, ठीक है। कंप्लीट बाइक का हमने रिव्यू किया है, थोड़ा सा हमें इसमें फीचर्स बता दे और कौन कौन से नए फीचर्स हैं आप ये जो है एक दफ़ा और रिपीट कर दें हमारे व्यूवर्स के लिए। ये तो देखें ये सेल्फ स्टार्ट गाड़ी है, ठीक है, ठीक है ना, ये स्पेशल गोल्डन है, ठीक ये है, अलॉयरिंग के अंदर है, ठीक है। हाँ बात ये एक इसमें शादी आती है लेकिन शादी नहीं है, स्पेशल में बनाई गई ये गाड़ी है। अच्छा वैसे काफ़ी सारी बाइकें जो है इंजन की वारंटी भी हमें देती है, पार्ट्स की वारंटी भी देती है, तो क्या इसमें कोई वारंटी हमें मिल जाती है इंजन की? वारंटी इंजन की 6,000 किलोमीटर या 6 माह इंजन वारंटी है, जो होंडा भी दे रहा होता है, ठीक है, ठीक है ना। चाइना के तमाम ब्रांड भी वारंटी दे रहे होते हैं। हाँ इसकी ट्यूनिंग फ्री होती है, एक ट्यूनिंग फ्री होती है इसकी। अच्छा ट्यूनिंग वगैरह फ्री है इसकी। अच्छा ये वाली बाइक इसमें तो है अलॉय रिम्स, इसमें स्पोक्स रिम्स, अच्छा इन दोनों में ये फर्क है, बाकी बाइक बाइक दोनों टेक्निकली दोनों सेम है, ठीक है, कोई फर्क नहीं है सिवाय अलॉय रिम के, वो स्पोक के अंदर है अलॉय रिम में, जो कुछ लोग अलॉय रिम पसंद करते हैं कुछ लोग स्पोक पसंद करते हैं, फिर दोनों वेरायटी हमारे पास। अच्छा ठीक हो गया। सोहेल भाई बाइक के बारे में आपने बताया, काफ़ी अच्छी मुझे लगी है बाइक, ओवरऑल बाइक की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, तो इसकी प्राइस अभी क्या कंपनी क्लेम कर रही है, क्या डिमांड कर रही है इसकी? अभी गाड़ी अभी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट अब दे रहे हैं इसको डॉक्यूमेंट्स के साथ में 1,52,000, ठीक है, 1,52,000 रुपये विद पेपर के साथ आप दे रहे हैं अलॉय रिम्स वाली, और स्पोक्स रिम वाली? स्पोक्स रिम वाली आपको मिलेगी 1,40,000 रुपये की, ठीक है, कंप्लीट विद रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंटेशन के साथ, ठीक है। 1,40,000 वाली जो बाइक है उसमें भी तमाम फीचर्स वही हैं जो अलॉय रिम्स में, सिर्फ स्पोक्स और अलॉय रिम्स का फर्क है, ठीक है। सोहेल भाई यहाँ की लोकेशन बता दें, मोबाइल नंबर भी बता दें। कराची आपको ना सिर्फ ओनली फॉर कराची में आपको एक बाइक मिलेगी, UP मोटरसाइकिल मार्केट, ठीक हो गया। 0349 2928069 ठीक है, ये मोबाइल नंबर है आपका, ठीक हो गया। तमाम फीचर्स मैंने आपको बताएं, अलॉय रिम्स इसमें मिल जाएंगे आपको, 110 वाली आपको इसमें असम्बलीज मिल जाती है, इसके अलावा सेल्फ स्टार्ट मौजूद है, डिपर का ऑप्शन भी मौजूद है, इंजन ऑन ऑफ का ऑप्शन भी मौजूद है, सारे फीचर्स आपको वही कैटेगरी में मिलते हैं जो आपको 110 कैटेगरी में मिल जाते हैं।
तो प्राइस वगैरह भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है, मोबाइल नंबर भी बता दिया है, और दोस्त को ज़रूरत हो तो कराची वाले सिर्फ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो मोबाइल नंबर आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके ये बाइक ख़रीदना चाहें तो परचेज कर सकते हैं। सोहेल ऑटोस पर मैं मौजूद हूँ यूपी बाइक मार्केट में। तो वीडियो को हम यहाँ पर ख़त्म करते हैं। ये बाइक आपको कैसा लगा? अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को हम यहाँ पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।